नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताजिक्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ सूचना इस प्रकार से है। पहली सूचना निकल के आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 5 विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद भी UPSC ने जारी की सही उत्तर कुंजी। 21 दिसंबर तक मांगी आपत्तियां। गड़बड़ी 5 विषयों की उत्तर कुंजी में गलत लिफाफे में रख दी गई थी, जिसकी वजह से गलती हुई है आयोग के द्वारा। और आयोग इतनी बड़ी संस्था है, हायर एजुकेशन की परीक्षा करा रहा है, इतनी छोटी सी गलती कैसे करता है, जो कि छात्रों के लिए एक बड़ी भारी गलती बन करके सामने आ जाती है। इसमें आयोग की गलती होती है और कहीं न कहीं भुगतना छात्रों को पड़ता है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, वो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों से संबंधित अपडेट है। लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये छात्र लगातार विधानसभा घेराव के लिए प्रयासरत थे और कल जो है विधानसभा घेराव के लिए पहुँचे भी थे। भारी संख्या में छात्र थे और इनके साथ बर्बरता भी की गई, किंतु ये डटे रहे और आज भी डटे हैं। वे सारे छात्र जो दूर दराज से हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके इस तरह के जो अभियान है उसको सफल बनाएं, ताकि नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आ सके। जैसे कि आज के समाचार पत्रों में दिया है, शिक्षक भर्ती के लिए घेरा विधान भवन। बेसिक शिक्षा में 97,000 नए शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर के DLED प्रशिक्षकों ने मंगलवार को विधान भवन का घेराव कर हंगामा कर दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पुलिस ने सभी वाहनों के जरिए इको गार्डन में भेज दिया। काफ़ी समय से भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी लगातार घेराव के लिए तैयार हो रहे थे, घेराव करना चाह रहे थे। वहीं दिया है, आधार में शिक्षक भर्ती सची को सौंपा गया ज्ञापन। प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के नए पद शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में जो कमेटी बताई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई है। 3-4 महीने होने को आया और उसकी ना आने की वजह से लगातार अभ्यर्थी उसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, दिया भी है, नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने छेड़ रखा है अभियान। 19 को होगी अपर अभियंता की भर्ती परीक्षा, यह भी एक प्रमुख सूचना के रूप में है। ये UPSSC से सम्मिलित अपर अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती 2016 सेकंड की लिखित परीक्षा 19 दिसंबर की को लखनऊ में कराने का फैसला लिया गया है। 68 परीक्षा केंद्रों पर करीबन 43,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया कि लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में परीक्षा 10 से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है UPSSC से संबंधित। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, लगातार ट्विटर अभियान रेलवे के लिए भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। कई ऐसी मुहिम है जिसमें कि छात्रों को पॉजिटिविटी मिली है, छात्र की विजय हुई है, जिसको देखते हुए छात्र लगातार ट्विटर अभियान कर रहे हैं। जैसे आप ग्रुप डी की परीक्षा देखिए, रुकी हुई थी, अभी तक उसमें कुछ भी निर्णय नहीं आ रहा था, किंतु किसी तरह से ट्विटर अभियान आदि के द्वारा अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन से अब जाकर के ग्रुप डी की परीक्षा की डेट्स आदि के बारे में चर्चा होना शुरू हो गई है। आगे दिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछली कई परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी नहीं की है, जबकि उनका अंतिम चयन परिणाम जारी कर चुका है। इसमें PCS RO जैसी प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं। आयोग ने 29 अगस्त 2014 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है था कि प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग की जाएगी। तो लगातार इस तरह के RO वाली परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं और उसमें छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कोर्ट जाने की तैयारी भी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, CTET परीक्षा कल से शुरू हो रही है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगी। ऑनलाइन माध्यम से 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जाएगी।
सीबीएसई की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा में जिले में करीब 90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अब जबकि परीक्षा शुरू होने केवल एक दिन का समय बचा है, ऐसे में वेबसाइट पर परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा दिसंबर के बाद होनी है उनका प्रवेश पत्र बाद में अपलोड होगा। तो जो परीक्षा है उसके प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं, एक दो दिन पहले ही प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके सीटेट परीक्षा से संबंधित, और बहुत सी गाइडलाइन हैं जो कि सीटेट में पालन कराई जाएगी। इस बार ऑनलाइन धांधली पिछली बार हो गई थी, इस नाते आयोग सतर्क है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।